नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल के द्वारा वैध कानून के अनुसार गठित नवीन कमेटी वक्फ मस्जिद फैजुल्ला वक्फ मन्नान परिसर स्थित मोहल्ला तरहटी का, वहीं कलेक्टर के द्वारा SDM को निर्देशित किया गया था, लेकिन पीड़ित का आरोप है कि आदेश दिए जाने के बाद भी उन्हें अभी तक मस्जिद का चार्ज नहीं मिल पाया है। उनका कहना है कि वह पिछले 1.5 महीने से कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक मस्जिद का चार्ज नहीं दिलाया गया, जबकि कानूनी रूप से जो आवश्यक प्रक्रिया थी उन्होंने पूरी की है। पीड़ित मोहम्मद अनीस सिटी कोतवाली का कहना है कि हुजूर रीवा तहसीलदार RP त्रिपाठी चार्ज नहीं दिलवा रहे हैं, जबकि ऊपर के अधिकारियों जिसमें भोपाल वक्फ बोर्ड से लेकर कलेक्टर और अपर कलेक्टर ने मस्जिद का चार्ज दिलाने के आदेश जारी कर दिए हैं। आइए सुनाते हैं पीड़ित का क्या कहना है। फैजुल्ला मस्जिद के अभी नव गठित जो कमेटी गठित हुई है, आप उसके अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष महोदय के लिए अभी तक चार्ज नहीं दिलाया गया। मुख्य सचिव भोपाल, CO भोपाल वक्फ बोर्ड कमेटी और कलेक्टर साहब और संभागीय कमिश्नर, अपर कलेक्टर और SDM साहब ने क्लियर आदेश किया है, तीन बार आदेश किया है तहसीलदार RP त्रिपाठी जी के लिए कि आप इनको चार्ज दिलाएं। उन्होंने फ़ोन करके भी बोला, लिखित में भी दिया, मगर तहसीलदार साहब चार्ज नहीं दिलवा रहे। तहसीलदार साहब को खर्चा पानी चाहिए, वो 15-20 हज़ार रुपये की जुगाड़ में बैठे हुए हैं कि 15-20 हज़ार की रिश्वत मिल जाए तो हम जाके चार्ज दिलवाएँ। 8-1.5 महीने से वो चक्कर लगा रहे हैं, उनको चार्ज नहीं दिलवाया जा रहा। अगर इनको चार्ज नहीं दिलवाया जाएगा तो ये आमरण अनशन में बैठेंगे। इन्होंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सभी के लिए और मुख्यमंत्री और राज्यपाल महोदय के लिए भी आवेदन दिया, वहाँ से भी आ गया है कि इनको चार्ज दिलवाएं। तहसीलदार का नाम क्या है? RP त्रिपाठी, रीवा के हैं। हाँ, तहसील हुजूर रीवा के हैं। उनको पैसे की जुगाड़ है और वो चाहते हैं कि हमको 15-20 हज़ार की रिश्वत मिल जाए तो हम जाके चार्ज दिलवाएं। वो बोलते हैं कि पेट्रोल का खर्च चाहिए, TI का खर्च चाहिए। तुमको पता नहीं कहाँ का खर्च चाहिए भाई? कलेक्टर साहब बोल रहे, कमिश्नर साहब, संभागी कमिश्नर बोल रहे हैं और मुख्य सचिव भी बोल रहे, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का भी आदेश आ चुका है। इसके बाद वो किसी का पालन नहीं कर रहे, वो सिर्फ बोलते हमको पैसा चाहिए। वहाँ से राजीव शुक्ला जी ने भी कहा कि इनको चार्ज दिलवाओ। विधायक की भी ये बात नहीं मान रहे, सांसद की भी ये बात नहीं मान रहे। सिर्फ वो चाहते हैं कि हमको 20 हज़ार रुपये की रिश्वत मिल जाए तो हम करें। इनकी जाँच लोकायुक्त और EOW से करवा दी जाए तो अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये हम लोग का बताइए भैया, क्या आज क्या शिकायत करने आए कलेक्टर? आज आए थे तहसीलदार साहब से मिले। इनको कलेक्टर महोदय का आदेश था कि इनको मस्जिद में चार्ज दिलाया जाए और कलेक्टर महोदय ने SDM महोदय को चार्ज दिलवाने का आर्डर किया। अब तहसीलदार साहब जब आते हैं तो मुलाकात ही नहीं होती। आज भी आए, सुबह से बैठे हैं, मुलाकात हुई नहीं है और आज 1.5 महीने हो गए हमें चक्कर लगाते हुए और अभी तक हमें चार्ज नहीं दिलाया गया फैजुल्ला मस्जिद का। और जिसके कारण हमारा जो है काम काज का पूरा सब ढप पड़ा हुआ है और मस्जिद का दरवाज़ा भी बंद है उत्तर दिशा का, जिसे नमाज़ पढ़ने भी नहीं दिया जा रहा। आपने कहा कि कलेक्टर साहब का आदेश है, उसके बाद भी चार्ज क्यों नहीं आ रहा है? उसके बाद उन्होंने SDM साहब को आदेश किया, SDM साहब ने थाना प्रभारी को आदेश किया, प्लस तहसील महोदय को आदेश पारित किया कि आप थाना प्रभारी को साथ में लेकर जाएं और इन्हें चार्ज दिलाएं। अब तहसीलदार साहब के पास आते हैं, मुलाकात ही नहीं होती है। अब हुई तो उन्होंने रिकॉर्ड मांगा, हमने आदेश दिया उनको कि ये है आदेश, वक्फ बोर्ड का आदेश है हमारे पास और इसका आप पालन करवाइए। तो अभी आपको क्या आश्वासन मिला है कि चार्ज मिलेगा कि नहीं? अभी अपनी तरफ से उन्होंने कुछ नहीं कहा। लगातार खबरों के लिए देखते रहें विराट 24 न्यूज़। धन्यवाद। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारे। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।